अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डीजी मेंटोर पीके। आज मैं एक वर्डप्रेस सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वर्डप्रेस में आप हर तरह की, हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। लाइक वो बिजनेस वेबसाइट भी हो सकती है, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हो सकती है, ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है, और ब्लॉग टाइप की वेबसाइट भी हो सकती है। आप इस सीरीज को पूरा देखिएगा और एंड तक आप एक अच्छी और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकेंगे। और वर्डप्रेस एक पॉपुलर सीएमएस है, ठीक है। इसमें आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो भी आपको मसला नहीं है। डिजाइन बनाने के लिए आपको इसमें कोई सीएसएस की जरूरत नहीं है। जस्ट थीम्स अपलोड करें और आप डिफरेंट डिजाइन, ठीक है, ब्यूटीफुली डिजाइन, अट्रैक्टिव डिजाइन जो है ना, थीम के थ्रू आप बना सकते हैं, और प्लगइन्स के थ्रू आप इसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाने के लिए ज़ैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, ज़ैम्प। तो अभी हम ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे आपके सामने। ये जो पहला लिंक आया है ना, आपने इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इधर क्लिक करना है। क्या ये आ रहा है कि आपने अगर लिनक्स के लिए करना है या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट के लिए उन्होंने डिफरेंट बताए हुए हैं, ठीक है। विंडो के लिए करना है तो आपने ये वाला कर ले, ठीक है। तो आपने इनमें से 64 बिट जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये 156 MB की है, तो ये इसको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा वर्डप्रेस के जरिए आप अच्छे से अच्छी ई कॉमर्स, अपनी अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। तकरीबन ये ज़ैम्प हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब शो इन फोल्डर पे क्लिक करें, इस पे आप डबल क्लिक करें। यस, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये सी फोल्डर में आपका चले जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, अब ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने किधर जाना है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट, आपने क्या करना है, लोकल डिस्क सी में जाना है अपने। इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है।
जैसे ही कंप्लीट हो गया फुली। तकरीबन ये एक और आध मिनट में ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, लोकल डिस्क सी में जाना है। इस जैम का फोल्डर बन चुके हैं हमारे पास, इसको आप फिनिश कर दें। अब जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना इस वर्डप्रेस के लिए, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट सेव होंगे वो एचटी डॉक्स में होंगे, एचटी डॉक्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दोबारा गूगल पे जाना पड़ेगा और वर्डप्रेस सीएमएस के लिए आपको वर्डप्रेस WordPress OID को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इधर आप आ गए हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, डाउनलोड WordPress 5.7.2, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल जो है ना 16 MB का, ये एक आध मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा आपका। इंस्टॉल हो चुका है तकरीबन आपका। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद बाकी जो है एचटी डॉक्स में जाके हमने करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, अभी ये शो इन फोल्डर में शो हो गया है, तो बाकी काम जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।